अपना परिचय दीजिए। मैं किशन दीक्षित, महामृत्युंजय मंदिर परिवार का सदस्य। ये कैसा कुंड है, क्या नाम है, इसे क्या महत्व है? आप जहाँ खड़े हैं ये महामृत्युंजय मंदिर का परिसर है। बाबा महामृत्युंजय मंदिर का आप आगे है, उसके अंदर ये उसका प्रांगण है। प्रांगण के अंदर एक धन्वंतरी कूप है जिसका एक अलग अपना एक अलग महत्व है। इस धन्वंतरी कूप को आज से नहीं कई सालों कई वर्षों से कहा जाता है, ये माना जाता है कि धन्वंतरी वैद्य जो बहुत बड़े वेद माने जाते थे, उनके द्वारा जो सारी जड़ी बूटियाँ हैं इस कूप के अंदर डाल दी गई थी, जिससे नित्य क्रम से पानी पीने वाले व्यक्ति कभी पेट का रोगी नहीं होता है। और साथ ही साथ सावन मास में जो इस पानी वहाँ से पीकर इस छोटे कुंड में आती है, इस कुंड को भरा जाता है उस समय, और उस पानी को अपने शरीर पर लेप लगाने से जो कोढ़ होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ ठीक होती हैं। ऐसी मान्यता इस कुएँ के बारे में आज से नहीं अनादिकाल और प्राचीन काल से मानी जाती है। जो मान्यताएं हैं उसमें कभी कोई आदमी लोग आए हैं कि जो कहे हो कि नहीं हमारा रोग दूर हो गया है? आप खुद, मैं ही आपको बताता हूँ, मैं नित्य क्रम से पानी पीता हूँ और अभी तक तो किसी पेट का रोगी अपने आप को मैंने महसूस नहीं किया। और ऐसे ही रह जाने कितने लोग रोज़ यहाँ पानी पीते हैं, आप देख रहे होंगे लगातार यहाँ जनता सुबह से पानी पीती रहती है। अब मुझे विश्वास है, आस्था और विश्वास में बहुत अंतर नहीं होता, आस्था विश्वास पर ही होता है। हम सब का विश्वास है इस पानी से पेट का रोगी रोग खत्म होता है। काशी के महामृत्युंजय मंदिर में यह कुंड स्थित है, लोगों की यह मान्यता है, यह जो कुंड है इसे धन्वंतरी कुंड कहते हैं। यह मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी ने जितनी भी उनकी औषधि थी इस कुंड में डाल दिया, और जिससे आज भी लोग इस कुंड का पानी पीते हैं। और यह मान्यता है जितने भी पेट संबंधित रोग होते हैं वो भी दूर हो जाता था। पहले इस कुंड की जो गिरा हुआ पानी था उससे लोग स्नान करते थे तो जितने भी प्रकार की शरीर की बीमारियाँ थी वो भी दूर हो जाती थी। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय की टीवी।